भारतीय सिनेमा में संगीत का क्या महत्व रहा है ये किसी से छुपा नहीं। जब से भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों का उदय हुआ है तब से कलाकार निर्माता निर्देशक के साथ साथ संगीतकार भी भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ बनकर सिनेमा की कामयाबी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। जब हम भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों को याद करते हैं तो बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके द्वारा बनाए गए मधुर संगीत कभी पुराने नहीं हुए। आज भी उन गीतों की मिठास हमारे कानों को सुकून पहुंचाती है। एसडी बर्मन से लेकर आरडी बर्मन और शंकर जयकिशन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सब दिग्गजों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनके बाद दौर आया जतिन ललित, नदीम श्रवण और अन्नू मलिक जैसे काबिल संगीतकारों का, और उसके बाद आज के संगीतकार भी कुछ एक गानों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन आज हम जिस संगीतकार की बात करने जा रहे हैं वो इसलिए खास हैं कि उनके बनाए गए गीत दिल को छूने वाले तो हैं ही, लेकिन इस वीडियो को बनाने के दो उद्देश्य हैं। एक तो इनके बनाए कुछ ऐसे गाने हैं जो सच पूछिए तो मुझे भी नहीं पता थे कि ये गाने जो हमने हजारों बार सुने हैं वो इस कंपोजर द्वारा बनाए गए हैं, और दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का इनका सॉन्ग को क्रिएट करने का स्टाइल है, जिस तरह के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग इन्होंने बना डाले, उस हिसाब से उन्हें वो नेम फेम नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा, संदेश शांडिल्या। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और उनके बनाए कुछ ऐसे ब्लॉकबस्टर गानों की बात करेंगे जो आपको सरप्राइज करके रख देंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये गाने इसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाए थे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। देखा जाए तो हिंदी सिनेमा का संगीत जो है वो हर दशक में अपनी छाप छोड़ता आया है। दशक टू दशक संगीत में बदलाव जरूर आता रहा है, क्योंकि हर म्यूजिक डायरेक्टर के गाने बनाने का अपना एक सेंस रहता है और वही उसका स्टाइल भी बन जाता है। लेकिन जब हम 90s के दशक की बात करते हैं तो सिनेमा से हटके युवाओं में म्यूजिक एल्बम को लेकर एक अलग तरह का क्रेज देखने को मिला था, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 90s में बहुत से ऐसे म्यूजिक एल्बम्स रिलीज हुए थे, ऐसे म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए थे जिसने संगीत को एक अलग तरह से पेश किया। मेड इन इंडिया जैसे गीत हर घर में बजते थे और गानों के माध्यम से अ काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म भी देखने को मिलती थी। उसी दौर में उदय हुआ था एक ऐसे संगीतकार का जिसके क्लासिकल टच वाले गाने सीधे दिल को लगते थे। 1999 का समय था जब एक वीडियो बहुत प्रचलित हुई थी जहां अरबाज खान एक फौजी के रूप में अपने घर वापसी कर रहे थे, जहां उनकी पत्नी के रूप में मलाइका अरोड़ा उनका इंतजार कर रही थी। इस घड़ी को दिखाने के लिए एक बेहद सुरीला गीत बैकग्राउंड में बजता रहता है जिसे स्वर दिया था शुभा मुद्गल जी ने। याद आया वो सॉन्ग आपको? प्यार के गीत सुना जा रे, तू ना जा रे। ये वो गीत था जिसको संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्य ने, और अपने पहले ही गीत से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने आने की घोषणा कर दी। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था। केवल ये गीत नहीं बल्कि इस एल्बम के बाकी गीत भी चार्टबस्टर में जगह बना रहे थे। इनके बनाए गानों की खास बात ये थी कि ये मंझे हुए सिंगर्स के साथ ही काम करते थे, यानी जिन्हें शास्त्रीय संगीत में भी महारत हासिल हो और उनके साथ काम वही कर सकता है जो खुद म्यूजिक की बहुत डीप समझ रखता हो। इस एल्बम के हिट होने के बाद संदेश शांडिल्या अगले साल ही एक और धमाकेदार म्यूजिक एल्बम के साथ वापसी करते हैं। अब जब धमाकेदार बोला ही है तो मतलब समझ लीजिए कि एवरग्रीन एल्बम सॉन्ग्स में ये सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक माना जाता है, और गाना था पिया बसंती। इस गीत को गाया था उस्ताद सुल्तान अली खान और चित्रा जी ने। संदेश शांडिल्या ने संगीत की शिक्षा उस्ताद सुल्तान खान साहब से ही ली थी, और एक शिष्य के लिए इससे बड़ी दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती कि उसे उसके गुरु के साथ ही काम करने का मौका मिल जाए। तो ऐसे चंद खुश नसीबों में से एक थे संदेश शांडिल्या, जिन्हें अपने गुरु को गंवाने का मौका मिला। इनके जितने लक्की भले आप ना हो, लेकिन आप मेरी तरह कैश करो द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग करके लक्की बन सकते हैं, और फिर ऑनलाइन शॉपिंग में कैशबैक मिले तो आप भी हुए ना लक्की। इसके लिए आपको लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके कैश करो ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप किसी भी प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोड पलट 25 यूज करिए और इंस्टेंट ₹25 बोनस के रूप में उसी समय प्राप्त कीजिए। ये देश का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो श्री रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है। इस ऐप के थ्रू आप अमेजोन, अजियो, मिंत्रा, बिग बाजार जैसे 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जहां आपको 30% तक के आकर्षक कैशबैक और डिस्काउंट मिल सकते हैं। कैश करो कैशबैक रियल कैशबैक है जो सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर आप इसे अमेजोन गिफ्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अपना फेवरेट वेबसाइट सर्च कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, वहीं दिए गए ऑरेंज बटन पर क्लिक करिए। कैश करो आपको सीधे उस वेबसाइट पर ले जाएगा, अपने खरीदे प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके पेमेंट कर दीजिए, बस
है ना, कितना सिंपल। अब अपने कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन चेक कीजिए और उसमें आए पूरे अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए या उसे अमेजोन गिफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। इस वीडियो में कुछ गिव अवेज भी हैं, जिसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अकाउंट क्रिएट कीजिए और कोड पलट 25 से साइन अप करें। कैश करो पे लिस्टेड किसी भी वेबसाइट से कुछ परचेज करें जिसको आपको कैंसिल नहीं करना है। 1 लाख के विनर को इको ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा और 5 दूसरे विनर्स को 1000 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। प्यार के गीत और पिया बसंती गाने के बाद संदेश शांडिल्य ने एल्बम्स की दुनिया में तो पैर जमा लिए थे, लेकिन अब इंतजार था सिनेमा का, जहां से उन्हें एक नई पहचान मिल सकती थी। और ये तब हुआ जब उन्हें कभी खुशी कभी गम में सेकंड म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया। कभी खुशी कभी गम एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित ही थे, क्योंकि यशराज फिल्म्स की ज्यादातर फिल्मों में उन्हीं का म्यूजिक रहा था, वो चाहे DDLJ हो या फिर कुछ कुछ होता है। कभी खुशी कभी गम फिल्म में भी म्यूजिक डायरेक्टर वही थे और संदेश शांडिल्य के 3 गानों को उस फिल्म में यूज किया गया था। ये गाने थे सूरज हुआ मध्यम, यू आर माई सोनिया और दीवाना है देखो। आई एम श्योर कि बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सूरज हुआ मध्यम जैसे दिल को छूने वाला गीत संदेश शांडिल्य का था। सूरज हुआ मध्यम चांद, अब भी बहुत लोग इसे जतिन ललित का सॉन्ग मानते हैं। एनीवेज, इस पॉपुलर गीत सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग के क्रिएट होने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये तब की बात थी जब संदेश मुंबई में PG में रहा करते थे और म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल किया करते थे। उसी PG में UP से आया एक लड़का भी रहता था, जिसने एक बार संदेश से पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूं। जिस पर वो लड़का बोला गाने वाने तो हम भी लिख लेते हैं। उसने ये बात इतने कैजुअल वे में बोली कि संदेश को लगा कि हर कोई कुछ ना कुछ लिख ही देता है, वो भी इन्हीं में से एक होगा। नेक्स्ट डे उसने एक गाना लिखा जिसमें तोता मैना पंछी वगैरह डालकर कुछ लिरिक्स बनाए थे। गाना पढ़कर संदेश हंसे और बोले यहाँ ऐसे आम लिरिक्स नहीं चलते, कुछ अलग तरह का होना चाहिए। संदेश ने उन्हें कुछ चीज़ें बताई और उसे कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए गाने में। अगले दिन उसने फिर एक गाना लिखा और संदेश को दिया। संदेश ने वो गाना पढ़ा जिसके बोल थे सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। ये लाइन संदेश के लिए शॉकिंग थे कि जिसे वो एवं नौसिखिया समझ रहे थे वो तो कलाकार निकला। और इस लड़के का नाम था अनिल पांडे, जिनका नाम इस गाने में लिरिसिस्ट के तौर पर अब भी लिखा मिलता है। मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। इसके बाद कई दिन तक इस गाने पर संदेश काम नहीं कर पाए और फिर एक दिन उन्होंने इसकी शुरू की 2 लाइन्स कंपोज की, फिर कुछ समय बाद 2 और लाइन्स कंपोज की और टुकड़ों टुकड़ों में कंपोज करते रहे। फाइनली ये गाना पूरा हुआ और कुछ सालों बाद ये फिल्म कभी खुशी कभी गम का हिस्सा बना। गाने के लिरिसिस्ट अनिल पांडे ने भी आगे तरक्की की और इंदू सरकार, गांधी जी माई मेंटोर, कैलेंडर गर्ल्स, दिल तो बच्चा है जी और अगली और पगली जैसी फिल्मों की कहानी और स्क्रीन प्ले को भी लिखा। अभी वो अक्षय कुमार की गोरखा पर काम कर रहे हैं। इनके फेमस गानों की लिस्ट लंबी है और अननोन भी, क्योंकि इनके वो गाने ब्लॉकबस्टर तो हुए पर इनके नाम को वो पहचान नहीं मिल पाई। चमेली फिल्म का ये गाना ब्लॉकबस्टर गानों में शामिल है, जो उस वक्त के चार्टबस्टर में टॉप 10 पर अपनी जगह बनाए रखता था। ले तेरी हो गई यार सजना बे सजना। इतना ही नहीं, इस फिल्म के और गीत को भी आप सुनेंगे तो उसमें संदेश शांडिल्य के म्यूजिक का फ्लेवर आप फील कर सकते हैं। भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला। मुझे खुद ये बात बहुत दिनों बाद पता चली कि मेरे कुछ मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स को भी संदेश शांडिल्य ने ही कंपोज किया था। यमला पगला दीवाना फिल्म में टिंकू जिया से लेकर चढ़ा दे रंग जैसे खूबसूरत सॉन्ग थे, लेकिन एक रोमांटिक सॉन्ग जो मेरे पसंदीदा गानों में से एक है उसे संदेश ने कंपोज किया था। और आपको तो पता ही है मेरी वीडियो है और म्यूजिक से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा उसका फायदा उठाकर अपने पसंदीदा 1-2 गानों के बारे में आपको अलग से बताता ही हूं। तो ये गाना था 100 बार ये कहे दिल। 100 बार ये कहे दिल। इसके अलावा सिकंदर फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना था KK की आवाज में, गाने के बोल थे गुलों में रंग भरे। हालांकि ये एक पॉपुलर रीजनल सॉन्ग है जिसे बहुत से सिंगर्स ने अपने अपने स्टाइल में गाया है, बट इसका सिकंदर वाला वर्जन मुझे बेहद पसंद है। चले भी आओगे गुलशन का। इसके बाद एक फिल्म थी टाइम आउट, जिसमें ना केवल इनका म्यूजिक था बल्कि इसे गाया भी खुद संदेश शांडिल्य ने था। बहुत पॉपुलर गाना नहीं था बट मुझे बेहद पसंद है, आप भी सुन सकते हैं। दिल तुम्हारा सा है, तुम मेरे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्त, अकेले में सुकून भरे माहौल में सुनना। अब आते हैं उस गीत पर जिसके लिए इन्हें याद किया जाना चाहिए, बट अगेन एज आई सेड शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस गाने के कंपोजर संदेश शांडिल्य है। ये वो गाना है जो उस वक्त जाने कितने ही फोन्स के रिंगटोन्स हुआ करते थे।
गाना है आओगे जब तुम साजना। इस गाने के बनने के पीछे भी एक लंबा प्रोसेस रहा था। सबसे पहले उन्होंने इस गाने की केवल दो लाइंस कंपोज किया, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। इसके बाद आगे कुछ कंपोज ही नहीं कर पाए और 4-5 महीने बीत गए। इसके बाद फिर एक बार इस गाने पर काम करने बैठे तो उन्होंने आगे कंपोज किया, बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आई विश कि ये गाना मैं आपको गाकर बता पाता। एनीवेज 6-8 महीने में इस गाने का मुखड़ा तैयार हुआ और इसके बाद ये गाना डब्बे में चला गया। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। यानी 15 साल पहले इसका मुखड़ा तैयार हो चुका था और बाकी के अंतरे उसके बाद तब कंपोज किए गए जब इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म के लिए इनसे एक गाना मांगा। इस फिल्म में भी बहुत सारे गाने प्रीतम के थे, बट ये स्पेशल गाना संदेश शांडिल्य के नाम रहा था। तो कई बड़ी फिल्मों में बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच एक गाना ये अपना फिट करने में कामयाब रहते थे और वो गाना ब्लॉकबस्टर रहता था, जिसके बाद भी उन्हें शायद वो नेम फेम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, आप इनके गानों के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। जाते जाते रिमाइंड करा दूं कि कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर फ्री कैशबैक देता है। कैश करो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ सेल डिस्काउंट भी देता है, जिसके लिए आपको लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से साइन अप करके या डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारा कोड PALAT25 यूज करें और पाइए ₹25 इंस्टेंट कैशबैक। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।